देवघर कोर्ट परिसर में जालसा की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत कैंप का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत कार्यक्रम में आपराधिक, वैवाहिक, बैंक लोन सहित विभिन्न मामलों को लेकर कुल 23 बेंचों का गठन किया गया। वही प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश दिवाकर पांडेय ने जालसा के सचिव प्रताप चंद्रा के साथ राष्ट्रीय लोक अदालत का निरीक्षण किया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत मामले में सैकड़ों मामले का निष्पादन किया गया, जिसमें सबसे अधिक मामले बैंक लोन संबंधी थे। वही फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स के लिए आए दंपतियों को आपस में मिलाया गया। देवघर झारखंड से बैद्यनाथ प्रसाद यादव की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। जालसा के निर्देश पर आज जो हम लोग राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहे हैं, इसमें मुख्य तौर पर सुलहनी मामलों का निष्पादन किया जाता है। मामलों की कैटेगरी है आपराधिक सुलहनी मामले, दीवानी के प्रकृति के सुलहनी मामले, बैंक के मामले, रेलवे एक्ट के मामले, लैंड एक्विजिशन के मामले, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के मामले। जैसा बेंच निरीक्षण के क्रम में हम लोग पाए कि बैंक के मामले काफ़ी बड़ी संख्या में निष्पादित किए जा रहे हैं और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के दो बड़े केस निष्पादित किए गए हैं, 6,71,000 और 3,94,000 के फिगर पे। इसके अलावा रेलवे एक्ट के बहुत सारे केसेस का निष्पादन हुआ है सुलह समझौते के आधार पर। आज लोक अदालत के माध्यम से आम जनमानस से यह संदेश देना चाहूँगा कि लोक अदालत में आएँ, लोक अदालत में आगे बढ़ करके निष्पादन कराने से किसी भी पार्टी की हार नहीं होती है। का आयोजन किया है जो 11 दिसंबर से शुरू हुआ को 11 बजे से शुरू हुआ है और इससे पहले भी 6 तारीख से लोक अदालत रिलेटेड मैटर्स को निपटारा किया जा रहा है। इसमें कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए बेंचेस बनाया गया है और इसमें प्री लिटिगेशन मैटर्स को भी रखा गया है, जैसे बैंक के मैटर्स हैं, NIA एक्ट के मैटर्स को भी देखा गया, मोटर व्हीकल मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, लेबर डिस्प्यूट, लैंड एक्विजिशन मैटर, म्यूनसिपैलिटी रिलेटेड मैटर, बिजली मैटर, मतलब जितने भी कंपाउंडेबल केसेस हैं उसको किया गया, उस मैटर्स को रखा गया है। और कोविड के बाद पहली बार ये फिजिकल हुआ, इस तरह से हो रहा है। पहले हाइब्रिड मोड में होता था, तो आज आप देख ही रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और बैंक और इसमें काफ़ी रश है और उम्मीद है हमें कि पिछले बार से ज़्यादा अच्छा डिस्पोजल होगा और न्यायालय का कार्यों का बोझ कम होगा। सत प्रयास किया है और इसके लिए साधुवाद हमारे प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश को है। हम अधिवक्ताओं ने अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं रखी है और हम समझते हैं कि निष्पादन का दर देवघर बहुत ऊंचे कीर्तिमान स्थापित करें और आम जनता से आग्रह करते हैं कि बाद में भी आप, ये बहुत अच्छा आंदोलन है जहां जो भी न्यायालय कार्य है जो आप 20 वर्ष में ख़त्म करेंगे वो एक दिन में हो जाएगा और कोई अपील नहीं होगी।